Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में पंचायत चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। राज्य में पंचायत चुनाव जल्द कराने के लिए झारखंड से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। देवघर के जयप्रकाश पंडित ने याचिका दायर कर कहा है कि सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराकर नियमों का उल्लंघन कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 243 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्त होते ही चुनाव कराया जाना अनिवार्य है, लेकिन झारखंड सरकार पंचायतों को सशक्त करने के बदले सारे अधिकार अपने पास रखना चाहती है। याचिका में सरकार के 7/1/2021 को जारी उस आदेश पर रोक लगाने को भी कहा गया है, जिसमें पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाते हुए 6 माह के लिए सभी प्रतिनिधियों का अधिकार दिए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि कार्यकाल बीतने के बाद जन प्रतिनिधियों को 6 माह का अधिकार बढ़ाने का प्रावधान नहीं है, इसलिए सरकार के आदेश पर रोक लगा देनी चाहिए। झारखंड के MBBS विद्यार्थियों के लिए जरूरी है खबर। सरकारी अस्पतालों में देनी होगी 3 साल की सेवा। झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई करने वाले सभी विद्यार्थियों को कोर्स पूरा करने के बाद राज्य के सरकारी अस्पतालों में कम से कम 3 साल सेवा देना अनिवार्य होगा। इसी शर्त पर अब मेडिकल कॉलेजों में विद्यार्थियों का नामांकन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग को 31 जनवरी तक इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में चिकित्सकों की कमी ना हो, इसे केंद्र में रखकर सरकार ने यह कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार सरकार के इस निर्णय के तहत MBBS में दाखिले से पहले अभ्यर्थियों को यह बॉन्ड भरना होगा कि MBBS करने के बाद वे 3 साल तक राज्य के सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवा देनी होगी। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें क्षतिपूर्ति मद में सरकार को एक निर्धारित राशि देनी होगी। यह राशि 20 से 30 लाख रुपए तक हो सकती है। खबर है झारखंड के रांची से। रांची और हटिया स्टेशन से देश के विभिन्न राज्यों के लिए यात्री ट्रेन जल्द शुरू होगी। रांची रेल मंडल के अधिकारी ने बताया कि 10 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू करने के लिए मुख्यालय को पत्र लिखा गया है। इन ट्रेनों का परिचालन जनवरी के अंत तक शुरू हो सकता है। झारखंड में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 100 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 1,17,786 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 4 और मरीजों की मौत हो गई है। इससे राज्य में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,054 हो गई। राज्य में अब तक 1,15,542 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 1,190 अन्य संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 10,484 नमूनों की जांच की गई, जिसमें रांची में 44, पूर्वी सिंहभूम में 17 और धनबाद में 8 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। झारखंड सरकार का है बड़ा फैसला। सरकारी आवास में रह रहे अफसरों को अब नहीं मिलेगा HRA। राज्य सरकार ने सरकारी आवास में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का आवास भत्ता बंद करने का फैसला किया है। साथ ही एक अफसर एक गाड़ी की नीति को लागू करने का फैसला कर लिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में इस बात का उल्लेख किया गया है। सरकार ने यह फैसला राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए किया है। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों पर होने वाले खर्च में कटौती करने के बदले फिजूल खर्च में कटौती करने का फैसला किया है, इसलिए सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को HRA नहीं देने का फैसला किया गया है। झारखंड के छठी JPSC रिजल्ट 2020 रद्द हो सकता है। हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई 3 फरवरी को है। छठी JPSC मुख्य परीक्षा परिणाम को रद्द करने से संबंधित याचिका पर हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई 3 फरवरी से होगी। परीक्षा परिणाम रद्द करने को लेकर 18 याचिकाएं हाई कोर्ट में पिछले दिनों दाखिल की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को हाई कोर्ट के जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत ने सभी पक्षों को 1 फरवरी तक अपना पक्ष रखने को कहा है। अदालत ने सभी पक्ष को अपना जवाब और प्रत्युत्तर समय पर देने को कहा है। यही नहीं, जो लिखित में अपना पक्ष रखना चाहते हैं उनके लिए भी 1 फरवरी की समय सीमा तय की गई है। इसके बाद किसी को भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। 3 फरवरी से अदालत सुनवाई शुरू करेगी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम की जीत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है बधाई। झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों में उल्लास। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टेस्ट मैच में हराकर 4 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। ब्रिस्बेन में खेले गए चौथे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को
अंतिम दिन 3 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम की इस जीत पर झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों में खुशी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए भारतीय टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि शानदार टीम इंडिया गबा में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को करारी समात देने के साथ ही टेस्ट सीरीज जीतने की आप सभी को बधाई। खबर है झारखंड के गोड्डा से। अपराध नियंत्रण को लेकर बीट पुलिसिंग व्यवस्था। जिला मुख्यालय में अपराध नियंत्रण को लेकर बीट पुलिसिंग को सशक्त किया जा रहा है। नगर थाना पुलिस निरीक्षक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश पुलिस अधीक्षक YS रमेश ने दिया है। मालूम हो कि कोरोना संक्रमण काल को लेकर पुलिस बल की अलग अलग जगह पर नियुक्ति व अन्य कार्य में योगदान के कारण पिछले करीब 1 साल से यह व्यवस्था कमजोर पड़ गई थी, लेकिन अब इसे फिर से दुरुस्त किया जा रहा है। यहां अधिकारी क्षेत्र के हिसाब से बीट बांटकर जिम्मेवारी दी जा रही है। वहीं अब रोतोरा TOP में व्यवस्था को बेहतर करते हुए पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के अधिकारी को तैनात किया गया है। इसके साथ ही IRV व DAP की तैनाती की गई है। शहर में करीब आधा दर्जन क्षेत्र को 6 बीट में पहले ही बांटा गया था, जहाँ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी। वहीं पर गोड्डा में NH 133 की मरम्मत अब पैच में पड़ गई है। NH डिवीजन देवघर के मताहत गोड्डा जिले में NH 133 की करीब 70 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत पैच में फंसा हुआ है। विभाग इस सड़क की मरम्मत 2 फेज में कर रहा है। 1 फेज में सिर्फ गड्ढा भराई का प्रावधान है। इसके लिए 5 अलग अलग टुकड़ियों में करीब 1 करोड़ के 5 अलग अलग टेंडर पास किए गए हैं। वहीं दूसरी फेज में उक्त पथ में गोड्डा कारगिल चौक से ललमटिया तक 37 किलोमीटर लंबी सड़क की जीर्णोद्धार और मजबूतीकरण को 3 माह पूर्व ही एक बिल्डर्स नामक कंपनी को 25 करोड़ का टेंडर आवंटित कर दिया गया है और करार भी हो चुका है, लेकिन अब तक कंपनी की ओर से काम शुरू नहीं किया गया है। इसी बीच जिला प्रशासन की ओर से NH डिवीजन पर लगातार तबीस दी जा रही है। झारखंड में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान तो दूर, वेतन के लिए भी लाले, भुखमरी का हो रहे हैं शिकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने की बात करते हैं। कोरोना वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना वॉरियर्स को इसकी पहली डोज दी जा रही है, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना से हर दिन 2-4 हो रहे स्वास्थ्य कर्मियों को सैलरी भी नहीं मिल रही है। यह हाल रांची के सदर अस्पताल में कोरोना सैंपल की जांच में लगे लैब टेक्नीशियन और डेटा एंट्री ऑपरेटर का है। झारखंड में कोरोना सैंपल जांच के लिए 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से ऊपर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले लैब टेक्नीशियन हकदार तो पुरस्कार के थे, पर सम्मान और पुरस्कार तो दूर, 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। झारखंड सरकार ने आतंकी वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के गठन का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में विशेष न्यायालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के तहत आतंकवादी वामपंथी उग्रवादी से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए रांची में एक विशेष न्यायालय का गठन किया जाना है। CBI के तर्ज पर ही NIA के विशेष न्यायालय का गठन होगा। झारखंड सरकार ने वर्ष 2020 में सरकार ने विभिन्न उग्रवादी संगठनों के सरेंडर करने वाले 14 उग्रवादियों को प्रत्यारोपण और पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास अनुदान की राशि देने के प्रस्ताव को स्वीकृति भी किया है। बता दें कि वर्ष 2020 में 11 भाकपा माओवादी, 2 पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया का नक्सली और 1 तृतीय परिस्थिति कमेटी के सदस्य ने सरेंडर किया था। सरेंडर करने वाले उग्रवादियों को पुनर्वास अनुदान की राशि देने के प्रस्ताव भी स्वीकृति की गई है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को बनाया जाएगा हुनरमंद और नक्सलियों की गिरफ्तारी को लेकर नए पुरस्कार राशि की घोषणा भी की गई है। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के RPF की टीम ने ट्रेन के सेकेंड AC कोच से एक मोबाइल चोर को 63 कीमती मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद चोरी के मोबाइल फोन में स्मार्ट एंड्रॉयड और एप्पल के iPhone भी शामिल है। बतौर RPF बरामद की गई फोन की कीमत लगभग 8 से 9 लाख रुपए की है। 63 चोरी के मोबाइल के साथ RPF के हत्थे चढ़ा मोबाइल चोर का नाम मोहम्मद मुर्तजा शेख है, जो कि पश्चिमी बंगाल के मालदा का रहने वाला है। RPF को शक है कि चोर भारत में चुराए गए मोबाइल फोन का बांग्लादेश ले जाकर बेचता है।
कांग्रेस में नया जोश भर गए आरपीएन सिंह, सभी विधायकों को एक साथ बैठाने में पाई सफलता। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने राज्य के अपने हाल के दौरे में कई मोर्चे पर एक साथ काम करके दिखाया है। विभिन्न स्तरों पर गठित होने वाली 20 सूत्री कमेटियों में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करना इसकी अहम भूमिका है। जाहिर है इसके बाद बोर्ड निगम की बारी आएगी। साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन के अहम घटक दल के तौर पर उन्होंने जहां कांग्रेस कोटे के मंत्रियों संग बेहतर समन्वय स्थापित कर पार्टी की घोषणाओं को धरातल पर उतारने का टास्क दिया है, वहीं संगठनात्मक दृष्टिकोण से कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए वरी और भरोसेमंद नेताओं को अहम जिम्मेवारी भी दी है। खबर है झारखंड के गिरिडीह से। खसरा का टीका लगने के बाद 2.5 साल के बच्चे की मौत, स्वास्थ्य विभाग पर लगाया है लापरवाही का आरोप। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित खेता डाबर गांव में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते एक 2.5 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। बच्चे के परिवार वालों ने बताया कि सोमवार को खसरा का टीका लगाया था, टीका लगने के कुछ घंटे बाद ही प्रिंस की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। इस मामले में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रमोद कुमार का कहना है कि सोमवार की दोपहर 12 बजे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चे को टीका लगाया था, टीका देने के बाद बच्चा ठीक था। उनका कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही मौत के कारणों को पता चल पाएगा। उधर बच्चे की मौत के बाद ही से ही पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। बच्चे के माता पिता प्रशासन से इंसाफ मांग रहे हैं। ISM धनबाद के आविष्कार में शामिल होंगे झारखंड के बच्चे। ISM धनबाद राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए आविष्कार झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज 2021 का आयोजन करने जा रहा है। इसके लिए 8वीं से 12वीं के छात्र छात्रा 28 फरवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा ने सभी जिलों के उपायुक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मंगलवार को दिशा निर्देश दिया। यह प्रतियोगिता छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति जागरूकता और नई नई इनोवेशन के प्रोत्साहन के लिए आयोजित की जा रही है। 3 विभागों की 12 सेवाओं को समय पर पूरा करना अनिवार्य, सेवा गारंटी अधिनियम का विस्तार। उद्योग, ऊर्जा और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की 12 सेवाएं आम लोगों को तय समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा नहीं करने पर संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन सेवाओं को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें उत्पाद विभाग की 9, ऊर्जा विभाग की 2 और उद्योग विभाग की 1 लोक प्रदायी सेवा शामिल है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।